चलिए आज बनाते हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी नाश्ता, जिसे हमारे राजस्थान में बहुत बार बनाया जाता है और शादी ब्याह में भी इसको बनाते हैं और लोग काफी चाव से खाते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले अपन एक पैन लेंगे, इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा तेल, तेल के अंदर थोड़ा जीरा, थोड़ी सी सौंफ डालेंगे और थोड़ा सा ना धनिया डालेंगे जिसे मैंने क्रश कर लिया है अपने हाथों से, और फिर ना थोड़ी सी अजवाइन भी डाल देंगे। इनको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से छोटे कर लेंगे, फिर इसके अंदर डालेंगे बारीक कटी हुई 2-3 हरी मिर्च, इसे भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद डालेंगे थोड़े से टूटे हुए काजू और थोड़ी सी किशमिश, इनको भी 1-2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। पकाने के बाद इसके अंदर डालेंगे 4-5 बारीक कटे हुए प्याज। अगर आपको ज्यादा प्याज खाना पसंद नहीं है तो आप ना प्याज की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। मैंने 4 प्याज लिए थे छोटे वाले, आप इसके अंदर 2 प्याज भी ऐड कर सकते हैं। प्याज डालने के बाद इसको 2-3 मिनट ढक के पका लेंगे जिससे अपने प्याज ना सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे लहसुन का पेस्ट, इसे भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर डालेंगे मसाले। मसालों में मैंने इसके अंदर ऐड किया स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर जरूर से डालना, इससे ना टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है। इन सबको अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट पका लेंगे। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे बारीक कटा हुआ पालक। पालक तो आजकल सबके घरों में मिल ही जाता है, तो आप इसे जरूर से डाल दें, इससे ना इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे उबले हुए आलू। तो मैंने यहाँ पे 4 आलू लिए थे जिनको मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था, और इनके छिलके हटा के इनको अच्छी तरह से मैश करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। आलू को अच्छी तरह से मसालों के अंदर मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसको ढक कर रख देंगे एकदम धीमी आंच पर। तो मैंने गैस को लो कर दिया और इसे ढक के रख दिया। तब तक बाकी का मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप बेसन का लिया, इसमें डाला स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया था। फिर इनको अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के धीरे धीरे पानी डालेंगे और इसको लगातार मिक्स करते रहेंगे। एक साथ में सारा पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, क्योंकि इससे ना अपना घोल बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। अपने को बहुत ज्यादा पतला घोल नहीं बनाना है, तो धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे और लगातार इसको मिक्स करते रहेंगे। और जब ये इस तरह का बैटर बन जाएगा तो इसको साइड में रख देंगे। अब अपन चेक करेंगे अपना मसाला। तो यहाँ पे मसाला है वो अच्छी तरह से बन चुका है। तो अब गैस को बंद कर देंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, इसको भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर ना इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और इस मसाले की खुशबू ना इतनी अच्छी आएगी कि आपके मुंह में तो पानी आ जाएगा जब आप इसे बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे जो अपना बैटर है, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की रखनी है। आप इसको इस तरह चम्मच में डाल के ना चेक भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। तो बिल्कुल पतला घोल भी नहीं बनाना है और ज्यादा गाढ़ा बैटर भी नहीं बनाना है। अब क्या करेंगे, अपना मसाला ठंडा हो चुका है तो मैंने इसके अंदर आधा नींबू का रस ऐड कर दिया है, और फिर इसकी ना छोटी छोटी लोई लेके इसका ना गोला बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे इसके गोले बना के इनको रख दिया है, और ऐसे ही मैंने सारे मसाले के ऐसे छोटे छोटे गोले बना के रख दिए हैं। अब अपने बैटर की तरफ चलते हैं। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और फिर इसे ना अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 चुटकी बेकिंग पाउडर का डालना है, और फिर क्या करेंगे, जो गोले अपन ने बना के रखे थे वो इसके अंदर डिप करें, और ये गोले बेसन के घोल में डुबो के अपन सीधा गर्मा गर्म तेल के अंदर डाल देंगे। पहले तेल को गर्म कर लेना और फिर ना इसके अंदर डालना है। ऐसे करते करते ना जितने गोले आपकी कढ़ाई में आ सकते हैं आप उस हिसाब से इसमें डाल दें। मैंने एक बार में 3 डाले थे। और फिर क्या करेंगे, एकदम धीमी आंच पे ना इनको पका लेंगे। पकने में कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे, और आपको बीच बीच में इनको ना पलट देना है। तो मैंने यहाँ पे इन सबको पलट दिया है, और पलटने के बाद जब ये पक जाएंगे तो मैं इनको निकाल लूंगी। ध्यान रही ये नीचे बिल्कुल भी ना चिपक जाए, और इन्हें धीमी आंच पे तब तक पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। गोल्डन ब्राउन होने पर इनको अपन निकाल लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। मैंने इमली की चटनी के साथ में इसको सर्व किया। तो इस तरीके से अपन ने घर में ही घर के सामान से ही बहुत ही ज्यादा टेस्टी ये नाश्ता बना लिया है, जिसे राजस्थान में कोफ्ते बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे आलू के कोफ्ते बनाए। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ओके बाय।